गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन आवर स्टैंडर्ड 6 ज्योग्राफी सब्जेक्ट लेसन नंबर 1 द अर्थ एंड द ग्रेटिक्यूल। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू ऑब्जर्व द वर्ल्ड मैप एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन द बिलो। नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, व्हिच प्लेस आर शोन ऑन द मैप। इन दिस मैप देयर आर सम प्लेसेस आर शोन हियर, आगरा, किम्बरले, सेंट पीटर्सबर्ग, टोक्यो, अफ्रीका, लीमा, दीज आर द सम प्लेसेस आर शोन इन द मैप। देन इन विच सिटी इज द ताजमहल लोकेटेड, द ताजमहल इज लोकेटेड इन आगरा। इन विच कॉन्टिनेंट इज द ताजमहल लोकेटेड, द ताजमहल इज लोकेटेड इन द एशिया कॉन्टिनेंट। इन विच डायरेक्शन इज ताजमहल लोकेटेड फ्रॉम द ग्रहम इन सेंट पीटर्सबर्ग, हियर ग्रहम इज लोकेटेड इन सेंट पीटर्सबर्ग एंड इन विच इज डायरेक्शन द ताजमहल इज लोकेटेड। सो दीज आर द सम क्वेश्चंस यू हैव टू फाइंड द आंसर विद हेल्प ऑफ दिस मैप। नाउ सी सम बॉयज एंड गर्ल्स आर लोकेटेड इन डिफरेंट प्लेसेस, अमंग देम ग्रहम, शाहिद, मीनाक्षी, मिकी, केतिया एंड एंड्रिका, दीज आर सम बॉयज एंड गर्ल्स आर लोकेटेड इन डिफरेंट प्लेसेस। व्हेन दे आर गिविंग द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस, एवरीवन्स आंसर इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बिकॉज दे ऑल आर लोकेटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। व्हेन दे आंसर द अबव क्वेश्चंस डिफरेंटली यूजिंग डायरेक्शंस एंड सब डायरेक्शंस, the Tajmahal is located at one and the same place and that is Agra. However, when each of one the children told the direction from their respective places, their answer were different. This means that the use of direction alone does not help us to accurately describe the location of the a place. That is why it become necessary to find a new system to state the precise location of any place on the earth. So now in the next diagram, with the help of this figure, here in this figure shows the length of east west and the north south diameter of the earth. This will give you some idea about the size of the earth, oceanic waters, uneven nature of the land, forest, innumerable islands of different sizes and the buildings make it impossible to actually draw such lines on the earth. In order to overcome this difficulty, some geographers develop a miniature model of the earth in the form of globe. This can be used to determine location on the earth. One can actually draw horizontal and vertical lines on a globe through not on the earth. Thus, they are imaginary lines on the earth.